हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा कि कंप्रेसर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो है हमारा एक एलजी का कंप्रेसर है, TS-15LB। ये जो है अपना 3 सिलेंडर का जो है इंजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, ये हमारी बेसिकली मोटर है। मोटर हमारी जो है 15 हॉर्स पावर की है। इस मोटर का काम क्या है वो आप देख रहे होंगे, आगे जो है इसकी फ़ैन बेल्ट लगी हुई है। ये फ़ैन बेल्ट से जो है हमारे इंजन को ड्राइव देता है। उसके बाहर में उस तरफ मैं आपको दिखा दूंगा, उधर पुली लगी हुई है, पुली और फ़ैन है। वो मोटर घूमती है, वो जो है इसको रोटेशन देती है इंजन को, और हमारा इंजन घूमता है और एयर बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ये है, और ये हमारा एक ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर में आप देख रहे होंगे कि जो फिल्टर लगा हुआ है, ये हमारे लो प्रेशर सिलेंडर है। इसी से हमारी जो एयर जो है वो सक होती है। ये ऊपर में आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो है एयर सक्शन होएगी। एयर सक्शन होने के बाद में इस सिलेंडर से जो है एयर जाएगी, ये हमारा इंटरकूलर है। इंटरकूलर में हमारी एयर ठंडी होती है। इससे इस सिलेंडर से वाया इंटरकूलर में इसमें जाएगी, और इस सिलेंडर से एयर जो है यहाँ से इंटरकूलर में आएगी। हमारी एयर सक हुई, एयर सक होने के बाद में उसका प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा एयर का। उसके बाद में एयर यहाँ आई, एयर जो है इंटरकूलर में आके इसका टेम्परेचर जो है और प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो गया। यहाँ से हमारा ये फाइनली जाती है, ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। इसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर एयर का मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ से जो है हाई प्रेशर में गई, यहाँ से हाई इसका टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और उसके बाद में एयर जो है वाया ये हमारा आफ्टर कूलर है। उधर से जो है हमारा एयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, उसको जो है ये वो जो ठंडी होगी वो वाया इस आफ्टर कूलर में होगी। क्योंकि क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर फाइनली कम करना पड़ता है जब एयर जो है टंकी में जाती है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर एयर का बड़ा रहेगा तो टंकी फटने का जो है, या अंदर का जो उसकी जो चादर रहती है, जो मेटल रहता है, वो ख़त्म होने का, रस्ट लगने का, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि फटने का जो है वो डर रहता है। इसलिए जो है ये इंटरकूलर और ये आफ्टर कूलर दिया जाता है। ये आफ्टर कूलर ये वाला, यहाँ से जो है फिर एयर घूम के जो है इस पाइप के थ्रू ये हमारी टंकी में जाती है। ये जो है हमारा जो है ये DDU वाल है, इसका मैं आपको वर्किंग बाद में बताऊंगा। ये जो एयर यहाँ पे गई, यहाँ पे अंदर में एक नॉन रिटर्न वाल लगा रहता है, NRV भी बोल देते हैं उसको। उसका फंक्शन क्या होता है कि जो एयर यहाँ से अंदर जा रही है वो अंदर तो NRV से जाती है, पर जो है बाहर नहीं आ पाती है। क्योंकि अगर बाहर आएगी तो पूरी गैस जो है, एयर जो है बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए जो है अंदर NRV दिया जाता है। तो ये तो था इसका जो है बेसिक फंक्शन है। इसके मैं और थोड़े पार्ट्स का आपको बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा जो है कट ऑफ है, एयर कट ऑफ है। मतलब कि कैसा है कि जैसे आपको ये मीटर में दिखा देता हूँ, गेज में, यहाँ पे इसका प्रेशर अभी 11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैक्सिमम इसका प्रेशर हमने सेट किया हुआ है 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो प्रेशर जो है वो यहाँ से सेट होता है। मतलब कि जब एयर जो है वो 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर में जाएगी, तब ये जो है कट लगा देगा, ऑटो कट लगा देगा, और हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी जो है हमारी एयर बन गई है और हमारी टैंक में वो चली गई है। अगर हम उसको, उस एयर को यूज़ करना है, तो भैया इस अनलोडिंग पॉइंट से हम अपने तरीके से कैसे भी 2-4 कितने भी हमको पॉइंट्स बनाने हैं, उस पॉइंट से हम उस एयर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक ये इसमें चीज़ हो जाती है, ये हमारी स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। और ये जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सोलेनोइड वाल्व है, ये सोलेनोइड वाल्व का यूज़ जो है, हम जैसे जब हमारा ऑटो गार्ड लगता है तो कुछ एक्स्ट्रा इंजन एक्स्ट्रा एयर जो है वो इंजन में रह जाती है, उस एयर को निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर वो एयर को हम जो है नहीं निकालते हैं, तब ऑटो कट लगने के बाद में जब हमारी जो कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट होगा तो हमारी मोटर लोड लेगी। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ये कैसे काम करता है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन जा रही है हमारी सोलेनोइड वाल्व में,
इसमें से एयर जो है वो डायरेक्ट यहाँ सोलेनोइड वाल्व में जाती है। सोलेनोइड वाल्व में क्या है, ये एक मैग्नेटिक सिस्टम है, इसमें एक पिन लगी होती है अंदर में, वो जब मैग्नेट, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, जब ये करंट इसमें जाता है तो अंदर में जो पिन है वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है तो एयर जो है वो यहाँ से पास होती है, और यहाँ से पास होके ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DDU वाला है, इसके अंदर में एक पिस्टन लगा रहता है। जब एयर हमारी मान के चलिए कि हमने 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर सेट किया है, जब ये एयर इस प्रेशर पे पहुंच जाती है तो इसके अंदर में एक पिस्टन है, वो पिस्टन को जो है जो एयर यहाँ से आ रही है ऊपर उठा देती है, और यहाँ से हमारी एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकल जाती है। तो फ्रेंड्स अभी ये पूरा हो गया जो है, मैंने आपको पूरा समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।